गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द हिस्ट्री क्लास। कंटिन्यूइंग द चैप्टर चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट आर्किटेक्चर, द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स एंड न्यू कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट आर्किटेक्चर। द सिटी ऑफ रोम रिवाइव्ड इन अ स्पेक्टेकुलर वे इन द 15th सेंचुरी। From 1417, the popes were political stronger because the weaknesses caused by the election of two rival popes since 1378 had ended. They actively encouraged the study of Rome's history. The ruins in Rome were carefully excavated by archaeologists. This inspired a new style in architecture, which was actually a revival of the Imperial Roman style, now called classical. Popes, wealthy merchants, and aristocrats employed architects who were familiar with classical architecture. Artists and sculptors were also to decorate buildings with paintings, sculptures, and reliefs. 15th सेंचुरी में रोम नगर भव्य रूप से रिवाइव हो उठा। 1417 में पोप पॉलिटिकली शक्तिशाली बन गए क्योंकि 1378 में दो रिवाइवल पोप्स की इलेक्शन से पैदा हुई वीकनेस का अंत हो गया। उन्होंने रोम के इतिहास के अध्ययन को एक्टिवली एनकरेज किया। आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा रोम के रुइंस का सावधानी से एक्सकेवेशन किया गया। इसने आर्किटेक्चर की एक नई शैली को इनकरेज किया जो वास्तव में इंपीरियल रोमन स्टाइल का रिवाइवल थी, जिसे अब क्लासिकल शैली कहा गया। पोप्स, वेल्दी मर्चेंट्स और अरिस्टोक्रेट्स लोगों ने उन आर्किटेक्ट्स को अपने भवनों को बनाने के लिए नियुक्त किया जो क्लासिकल आर्किटेक्चर से परिचित थे। आर्टिस्ट और स्कल्पचर्स ने भवनों को पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स और रिलीफ से डेकोरेट किया। सम इंडिविजुअल्स वर स्किल्ड इक्वली एज पेंटर्स, स्कल्पचर्स एंड आर्किटेक्ट्स। द मोस्ट इम्प्रेसिव एग्जाम्पल इज माइकल एंजलो बुआनरोती, इमोर्टलाइज्ड बाय द सीलिंग ही पेंटेड फॉर द पोप इन द सिस्टीन चैपल। द स्कल्पचर कॉल्ड द पाइटा and his design of the dome of St. Peter's Church, all in Rome. Filippo Brunelleschi, the architect who designed the sculpture Duomo of Florence, had started his career as a sculptor. इस काल में कुछ ऐसे लोग भी हुए जो skilled painters, sculptors और architects सभी कुछ एक साथ थे। इसका सबसे श्रेष्ठ उदाहरण माइकल एंजलो बुआनरोती है, जिन्होंने पोप के सिस्टीन चैपल की भीतरी छत में पेंटिंग द पाइटा नाम स्कल्पचर और सेंट पीटर गिरजे के डोम यानी गुंबद का डिज़ाइन बनाया, और इसकी वजह से माइकल एंजलो अमर हो गए। ये सारी कलाकृतियाँ रोम में ही हैं। Another remarkable change was that from this time artists were known individually by name, not by member of a group or guild as earlier. इस काल में एक और अनोखा बदलाव आया। अब कलाकार की पहचान उसके नाम से होने लगी, ना कि पहले की तरह उसके संघ या गिल्ड के नाम से। नाउ वी विल स्टडी अबाउट फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स। इफ पीपल इन अदर कंट्रीज वांटेड टू सी पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स और बिल्डिंग्स ऑफ ग्रेट आर्टिस्ट, दे हैड टू ट्रेवल टू इटली। बट इन द केस ऑफ रिटन वर्ड, व्हाट वाज रिटन इन इटली ट्रेवल टू अदर कंट्रीज। This was because of the greatest revolution of the 16th century.
द मास्टरी ऑफ द टेक्नोलॉजी ऑफ प्रिंटिंग. फॉर दिस यूरोपियंस वर इंडेटेड टू अदर पीपल द चाइनीज फॉर पेंटिंग टेक्नोलॉजी एंड टू मंगोल रूलर्स बिकॉज यूरोपियन ट्रेडर्स एंड डिप्लोमेट्स हैड बिकम फैमिलियर विद इट ड्यूरिंग विजिट्स टू देयर कोर्ट्स. दिस वॉज ऑल्सो द केस विद थ्री अदर इम्पॉर्टेंट इनोवेशंस, दैट इज फायर आर्म्स, द कंपस एंड द एबेकस. दूसरे देशों के लोग यदि महान कलाकारों द्वारा रचित पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स या बिल्डिंग्स को देखना चाहते थे तो उन्हें इटली की यात्रा करनी पड़ती थी. किंतु जहाँ तक लिटरेचर की बात है, जो कुछ भी इटली में लिखा गया विदेशों तक पहुँचा. ये सब 16वीं शताब्दी की क्रांतिकारी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की मास्टरी से वजह से हुआ. इसके लिए यूरोपीय लोग अन्य लोगों के प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के लिए चाइनीज के तथा मंगोल शासकों के ऋणी रहे, क्योंकि यूरोप के व्यापारी और राजनयिक मंगोल शासकों के राजदरबार में अपनी यात्राओं के दौरान इस तकनीक से परिचित हुए थे. ऐसा ही अन्य तीन टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस जैसे फायरआर्म्स, कंपस, एबेकस के विषय में भी हुआ. अर्लियर टेक्स्ट एग्जिस्टेड इन अ फ्यू हैंड रिटन कॉपीज. इन 1455 150 कॉपीज ऑफ बाइबल वर प्रिंटेड इन द वर्कशॉप ऑफ जॉन गुटेनबर्ग, द जर्मन हु मेड द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस. अर्लियर अ मॉन्क वुड हैव टेकन द सेम अमाउंट ऑफ टाइम टू राइट आउट वन कॉपी ऑफ द बाइबल. इससे पहले किसी टेक्स्ट या ग्रंथ की कुछ ही हैंड रिटन कॉपीज होती थी. सन 1455 में जर्मन मूल के जॉन गुटेनबर्ग, जिन्होंने अपने छापेखाने का निर्माण किया, उनकी वर्कशॉप में बाइबल की 150 प्रतियां छपी. इससे पहले इतने ही समय में एक मॉन्क बाइबल की केवल एक ही प्रति लिख पाता था. बाय 1500 मैनी क्लासिकल टेक्स्ट नियरली ऑल इन लैटिन हैड बीन प्रिंटेड इन इटली. एज प्रिंटेड बुक्स बिकेम अवेलेबल इट वॉज पॉसिबल टू बाय देम एंड स्टूडेंट्स डिड नॉट हैव टू डिपेंड सोनली ऑन लेक्चर नोट्स. ideas, opinions and information moved more widely and more rapidly than ever before. A printed book promoting new ideas could quickly reach hundreds of readers. This also made it possible for individuals to read books since it was possible to buy copies for oneself. This developed the reading habit among people. 15th century tak anek classic texts जिनमें ज़्यादातर लैटिन भाषा के टेक्स्ट थे, उनकी प्रिंटिंग इटली में हुई थी. क्योंकि प्रिंटिंग बुक्स उपलब्ध होने लगी और उनको बाय करना संभव होने लगा, छात्रों को केवल अध्यापकों के लेक्चर्स से बने नोट्स पर निर्भर नहीं रहना पड़ा. अब विचार, मत और जानकारी पहले की अपेक्षा तेज़ी से फैलने लगी. नए विचारों को बढ़ावा देने वाली प्रिंटेड बुक्स कई सौ पाठकों के पास जल्दी ही पहुंच सकती थी. अब पाठक एकांत में बैठकर पुस्तकों को पढ़ सकता था, क्योंकि वह उन्हें बाजार से खरीद सकता था. इससे लोगों के अंदर पढ़ने की आदत का विकास हुआ. द चीफ रीजन दैट द ह्यूमनिस्ट कल्चर ऑफ इटली स्प्रेड मोर रैपिडली अक्रॉस द एल्प्स फ्रॉम द एंड ऑफ द 15th सेंचुरी इज दैट प्रिंटेड बुक्स वर सर्कुलेटिंग. दिस ऑल्सो एक्सप्लेन्स वाई अर्लियर इंटेलेक्चुअल मूवमेंट्स हैड बीन लिमिटेड टू पर्टिकुलर रीजन्स. 15th सेंचुरी के अंत में इटली की ह्यूमनिस्ट कल्चर का अल्प्स पर्वत के पार बहुत तेजी से फैलने का मेन रीजन वहाँ पर छपी हुई पुस्तकों का वितरण था. इससे स्पष्ट है कि पहले की इंटेलेक्चुअल मूवमेंट्स खास क्षेत्रों तक ही सीमित क्यों थी. नाउ वी विल स्टडी अबाउट अ न्यू कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स, यानी मनुष्य की एक नई संकल्पना. वन ऑफ द फीचर्स ऑफ ह्यूमनिस्ट कल्चर वॉज द स्लैकनिंग ऑफ द कंट्रोल ऑफ रिलीजन ओवर ह्यूमन लाइफ. इटालियंस वर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू मटीरियल वेल्थ
पावर एंड ग्लोरी, बट देवर नॉट नेसेसरली इरिलीजियस। फ्रांचेस्को बरबारो, ए ह्यूमनिस्ट फ्रॉम वेनिस, रोट अ पैम्फलेट डिफेंडिंग एक्विजिशन ऑफ वेल्थ एज अ वर्चू इन ऑन प्लेजर। लोरेंजो वल्ला, हु बिलीव दैट द स्टडी ऑफ हिस्ट्री लीड्स मैन टू स्ट्राइव फॉर अ लाइफ ऑफ परफेक्शन, क्रिटिसाइज द क्रिश्चियन इंजक्शन अगेंस्ट प्लेजर। देयर वॉज ऑल्सो कंसर्न एट दिस टाइम विद गुड मैनर्स, हाउ वन शुड स्पीक पोलाइटली एंड ड्रेस करेक्टली, वॉट स्किल्स अ पर्सन ऑफ कल्चर शुड लर्न। Humanism also implied that individuals were capable of shaping their own lives through means other than the mere pursuit of power and money. This ideal was closely tied with the belief that human nature was many-sided, which went against the three separate orders that feudal society believed in. ह्यूमनिस्ट कल्चर की विशेषताओं में से एक था मानव जीवन पर धर्म का कंट्रोल कमज़ोर होना। इटली के निवासी मटीरियलिस्ट वेल्थ, पावर और ग्लोरी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे, परंतु ये ज़रूरी नहीं कि वे अधार्मिक थे। वेनिस के ह्यूमनिस्ट फ्रांचेस्को बरबारो ने अपनी एक पुस्तक में एक्विजिशन ऑफ वेल्थ यानी संपत्ति अधिग्रहण करने को एक विशेष गुण कहकर उसकी तरफदारी की, और लोरेंजो वल्ला विश्वास करते थे कि इतिहास का अध्ययन मनुष्य को लाइफ ऑफ परफेक्शन के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने अपनी पुस्तक ऑन प्लेजर में भोग विलास पर लगाई गई ईसाई धर्म की रोग की आलोचना की। इस समय लोगों में अच्छे व्यवहारों के प्रति दिलचस्पी थी। व्यक्ति को किस तरह विनम्रता से बोलना चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, और एक सिविलाइज्ड व्यक्ति को किन स्किल्स में दक्षता हासिल करनी चाहिए। ह्यूमनिज्म का मतलब ये भी था कि व्यक्ति पावर और वेल्थ की होड़ को छोड़कर अन्य कई मीडियम से अपनी लाइफ को शेप कर सकता था। ये आदर्श इस विश्वास के साथ क्लोजली जुड़ा हुआ था कि मनुष्य का स्वभाव मल्टी साइडेड या मल्टी डायमेंशनल है, जो कि तीन सेपरेट ऑर्डर्स जिनमें फ्यूडल सोसाइटी विश्वास करती थी के बिल्कुल उलट था। आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में चैप्टर का शेष भाग करेंगे। तब तक धन्यवाद।